हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं सुबह का ही लंच बना रही हूँ, तो ये तो मैं पराठे बना रही हूँ और उधर मेरी बन रही है भिंडी की सब्जी। बड़ी गर्मी है, चिपचिपाहट सी हो रही है और दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे ना एक अजीब सा ही मन हो गया है, ऐसा घुटन सी हो रही है। और सुबह सुबह से ही मन नहीं हो रहा कि काम करूं, लेकिन फिर भी ना करूंगी तो नहीं करूंगी तो फिर स्कूल के लिए कहाँ भूखे ही जाना पड़ेगा। और 3:30 बजे लौट के आते हैं बच्चे स्कूल से, तो बस मतलब जब सुबह उठते हैं ना तो एक सुबह में जो ताजगी सी होनी चाहिए ऐसी नहीं है। अब इतनी गर्मी है कि सुबह उठो तो घुटन सी होने लगती है, इतनी चिपचिपाहट है। और ये हम लोगों के इधर तो 2 महीने तो पूरा ही रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी 2 महीने से। तो ये मेरी बन रही है भिंडी की सब्जी। और थोड़ी ही बनाई है क्योंकि ना सुबह नाश्ते में चाहिए, और दोपहर के खाने में तो मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि इसमें से थोड़ी भिंडी की सब्जी है वो बच जाएगी तो फिर बस। और मेरे बेटे को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बस उसके लिए मैं सुबह पराठे ही बनाती हूँ स्कूल के लिए भी, और वो 2 पराठे खा के भी जाता है। तो बस उसका लंच वगैरह मैं पैक करके रख दूँगी और उसके बाद मैं लगूँगी अपने कामों में, क्योंकि सुबह सुबह जितना जल्दी घर का काम समेट लो, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे काम करने का मन नहीं करता है। क्योंकि काम करना स्टार्ट करो तो फिर चिपचिपाहट सी होने लगती है, और जब चिपचिपाहट होती है तो बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। और हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही है हम लोगों के इधर तो, जैसे हवा वगैरह कुछ चले तो थोड़ी सी बाहर राहत मिले, तो बाहर भी हवा वगैरह नहीं चलती है ना, तो सारा दिन घर के अंदर ही रहना पड़ता है। क्योंकि बाहर जाओ तो और ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है, तो उससे अच्छा तो घर में ही पंखे के आगे कूलर के आगे बैठे रहो। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सब्जी वगैरह भी बहुत कम आ रही है मार्केट में। कल मैं गई थी बड़ी वाली मार्केट, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही गए थे शाम को टाइम निकाल कर, क्योंकि दूर है तो फिर मतलब टाइम ही निकाल के जाना पड़ता है। और वहाँ है ये है कि वहाँ थोड़ी सब्जी सही रेट में मिल जाती है, और अभी बारिश के मौसम है ना तो सब्जी कम आ रही है क्योंकि पानी वगैरह है, और कुछ सब्जियां तो पानी में ऐसे ख़राब भी हो रही हैं, तो इसलिए तो सब्जी भी बहुत एक तो कम है, दूसरा छोटी और बड़ी मार्केट का फ़र्क इतना है कुछ कहने को नहीं। वही जो टमाटर वगैरह है वो हम लोग यहाँ पास में अगर लेते हैं तो 60 और 70 के बीच में रेट है उनका, और मतलब उतना अच्छा भी नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग लेते हैं ना पास का अगर लोकल मार्केट से तो उतना अच्छा भी नहीं मिलता है। और जब हम बड़ी मार्केट से कल गए ना तो जो 60 70 70 रुपए का टमाटर खरीदते हैं ना वो हमें वहाँ 20 रुपए किलो के हिसाब से मिला, और अच्छा ताज़ा बढ़िया टमाटर मिला। और मतलब वहाँ जो बड़ी मार्केट है उसमें सब्जी ज़्यादातर ताज़ी ही सब्जियाँ मिलती हैं, और भिंडी मिली तो इतनी ताज़ी थी मतलब किसी के जैसे लोकल लोग होते हैं तो उनके खेतों में जैसे लगी होती है ना, तो वो शाम को जैसे तोड़कर और बेचने के लिए लाते हैं, तो इसी टाइप से कोई लाया हुआ था। तो इतनी ताज़ी भिंडी थी तो उन्हें देखकर ही मन कर रहा था ख़रीदने का, तो मैं लेकर आई थी भिंडी। और एक बार मैंने अभी यहाँ पर भी मंगाई तो वो इतनी ख़राब भिंडी थी कुछ कहने को नहीं। होती है ना कोई सब्जी भी अगर अच्छी भी ना लगो लगे खाने में, लेकिन देखकर मन करता है ख़रीदने का। और कुछ सब्जी ऐसी होती है जो अच्छी तो लगती है खाने में पर उनकी कंडीशन इस तरह होती है कि उन्हें मन भी नहीं करता देखकर ख़रीदने का।
तो बस ये स्लिप वगैरह यहाँ की सफाई करने के बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और इतना चिप 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 फर्श वगैरह भी बहुत ज़्यादा चिप चिप कर रहा है, तो मैं ना आज सर्फ डालकर पोछा लगाऊंगी। तो क्योंकि चिप चिप तो वो इसलिए करता है क्योंकि सीलन रहती है नीचे, बारिश का टाइम है तो सीलन वगैरह सी रहती है, तो इसलिए लगता है कि चिप चिपाहट सी हो रही है। तो बस आज ना सर्फ डाल के पोछा लगाऊंगी। तो वैसे तो फिनाइल वगैरह डाल के लगा लेती हूँ, डेली तो नहीं डालती फिनाइल क्योंकि उससे भी ना सर चढ़ता है, और हफ्ते में एक दो बार फिनाइल डाल के मतलब लगाती हूँ। और पोछा मैं आज मतलब डेली में सर्फ डाल के नहीं लगाती, हफ्ते में एक या दो बार बस, इससे ज़्यादा नहीं सर्फ डाल के लगाती हूँ, पर लगा देती हूँ ना तो वो चिपचिपाहट नहीं लगती है। नहीं, ऐसे लगता है जैसे ना तेल सा है नीचे ज़मीन पर, जैसे ना किचन के डिब्बे वगैरह नहीं चिपचिपे हो जाते हैं, वो किचन में खाना बनाते हैं तो वो भाप सा निकलता है उससे, तो इसी टाइप से फर्श भी हो रखा था। और मेरा पता नहीं क्या मेरी आदत है, सुबह जितना काम करो तो कर लो, और उसके बाद जैसे जैसे धूप फैलती जाती है वैसे वैसे मुझे काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे धूप फैलने लगती है वैसे गर्मी ज़्यादा होने लगती है, और जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि गर्मी में चिपचिपाहट में काम करो। और इस टाइम क्या है कि बेटी मेरी अभी है नहीं यहाँ पर, और वो उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल देने के लिए गई है, और बेटा मेरा स्कूल चला जाता है, तो इस टाइम मैं अकेली ही घर में रह जाती हूँ। तो बस मतलब होता है ना कि घर में दो चार लोग हों तो काम करने में भी थोड़ा लेट होते हैं, तो मैं अकेली रह जाती हूँ तो फिर काम करने में भी लेट नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे ही करना होता है काम, और एक साइड से लग जाती हूँ तो फिर पूरा काम करके ही, क्योंकि जितना मैं लेट करूँगी उतना मेरे लिए ही प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि अकेली हूँ तो मुझे ही करना है, तो जल्दी जल्दी जितना काम धूप निकले उससे पहले कर लो तो अच्छा है। और बस ये पोंछा वगैरह लगाकर और फिर जाऊंगी नहाने, और क्योंकि नहाकर ही आऊंगी और दिया बाती करूंगी, तो फिर उसके बाद ही चाय वगैरह पीऊंगी। तो अभी क्या है कि घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो उनको भी नहलाना धुलाना पड़ता है, तो इसलिए और लगता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। और वैसे तो आज मैं थोड़ा लेट ही हो गई, ये ना थोड़ा सा आटा वगैरह भरने का काम था डिब्बे वगैरह में, तो बस वही भरा था तो इसलिए और लेट हो गई, तो आटा वगैरह भरा था तो नीचे भी फैल गया था थोड़ा बहुत, तो इसी करके मैं सर्फ डाल के पोंछा लगा रही हूँ। और उससे क्या है कि ना थोड़ा सा बस चिपचिपाहट है, हाँ मन का बहम है, पता नहीं क्या गर्मी करके हर जगह मुझे तो चिप